मेरा एक ही मोटो है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे आगे जो पेरेंट है ना या जो मेरा स्टूडेंट है बस वो ये गए मैम मतलब मज़ा आ गया जो आपने पढ़ाया है ना मुझे बिल्कुल समझ में आ गया और सब आके बस मुझे एक ही बात कहते थे इंग्लिश मीन्स मानसी मैम तो मेरे एरिया में जितने भी मेरे सोसाइटी में बच्चे आते थे और आज मैं दुबई कैनेडा मस्कट न्यूजीलैंड अमेरिका हर जगह से बच्चे ग्लोबली मेरे साथ जुड़े हुए हैं नोट्स बनाए इतने मोटे मोटे मेरे यू नो स्पाइरल्स हैं जो मैंने लिख कर ख़त्म किए और उसके बाद मैंने अपनी एडुकेशन दिल्ली से ही करी है मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से हुई कॉलेज भी दिल्ली से हुआ और आफ्टर uh, ट्वेल्थ पापा को बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो रही थी तो सोचा कि दिनों पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही अच्छा लगता था मुझे आज भी याद है मैं टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती थी मेरे पापा दो बजे रात को उठते थे मैं पढ़ रही होती थी मेरे पापा चार बजे उठते थे और मेरी मम्मा सुबह पाठ करने के लिए उठती थी मैं पढ़ रही होती थी तो पापा ने सिर्फ उठ ना एक दिन एक ही बात कही मानसी मार्क्स कुछ भी आए तेरे मेरी तरफ से तू फर्स्ट है तो बस कुछ बातें दिल को छू जाती हैं एंड आफ्टर ट्वेल्थ जब मैंने अपने पापा को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा तो यार महसूस हुआ कि कुछ खुद करना चाहिए तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे ना ट्यूशन्स पढ़ानी है बिकॉज मैं अपने छोटे मेरे दो भाई बहन हैं मैं उनको भी पढ़ाया करती थी तो मैंने मम्मा को बोला नहीं मम्मा मुझे ना ट्यूशन्स पढ़ानी है और अपना जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं मेरी फ़ीस है मेरा घूमना मेरे को जो भी खर्च करना है मैं खुद से करना चाहती हूँ तो पहले तो मम्मा ने बोला नहीं क्या ज़रूरत है पापा बैठे हैं तो मैंने कहा नहीं मम्मा पापा तो हैं बट आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल तो ओके शी सेट ओके तो फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया पहली ट्यूशन आ, मेरे घर से दस मिनट का रास्ता था और तब मैं होम ट्यूशन में ऑल सब्जेक्ट्स के वन थाउजेंड रुपीज लिया करती थी जब एक महीने के बाद मेरी सैलरी मेरे हाथ में आई माय हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स मुझे लगता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा तो मैंने काफ़ी टाइम बहुत स्ट्रगल किया बहुत पैदल चलती थी मैं अपने ट्वेंटी रुपीज़ बचाने के लिए बिकॉज कहीं भी ट्यूशन पढ़ाने जाता जाना होता था तो पापा मम्मी ना यू नो देते थे कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन का आपका कॉस्ट है आप जाओ और आराम से जाओ बट uh, मैं अपने ब्रदर और सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ तो भाई को बाइक मिली थी छोटा था वो टेंथ इलेवेंथ में ही था बट बहुत लाडला था पापा को तो उसको बाइक दिला दी दीदी फिफ्टी रुपीज़ दे दो बाइक के लिए तो दीदी के पास थे तो दीदी ने दिए सिस्टर ने कुछ बोला तो उसको दिला दिया बाहर गए हमने मैगी पार्टी करी तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही यू you नो know, आजकल तो बच्चे बाहर जाते हैं मॉल्स घूमते हैं हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था हमारी एक अपनी छोटी सी दुनिया थी जहाँ हम बहुत खुश रहते थे बहुत कंटेंटेड रहते थे आजकल मैं देखती हूँ बच्चों को सब कुछ देने के बाद भी शिकायतें हैं बट हमारे दौर पे हम बहुत ही छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को भरपूर खुशहाल जिंदगी गुजारते थे तो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो पापा ने बोला कि अब होम ट्यूशन्स तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है बिकॉज़ मेरे पापा बिजनेस बैकग्राउंड से थे और उनको पसंद नहीं था कि मेरी डॉटर कहीं किसी घर पे जाए और वहाँ पढ़ाए और मुझे भी डर लगता था कि किसी के घर जाऊँगी पता नहीं कैसे लोग होंगे मेरे साथ कैसा ट्रीट करेंगे बट uh, कहते हैं ना भगवान सबके साथ होता है तो मेरे एक मतलब तो आप ये कह लें ब्रदर ही हैं मिस्टर सुमित वर्मा तो उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया उन्होंने बोला मानसी मैं तुझे होम ट्यूशन दूंगा और तू अपना बेस्ट देना तो मेरी मॉम ने भी यही बोला कि तू अपना बेस्ट देना बाकी भगवान पे छोड़ दे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैंने दो तीन साल होम ट्यूशन्स ली और जब मैंने मेरी वन थाउजेंड सैलरी टेन फिफ्टीन थाउजेंड पहुँच गई देन मुझे एक ब्रेक दिया कि अब कोचिंग सेंटर में पढ़ाना कोचिंग सेंटर उस जमाने में एक या दो हुआ करते थे हर एक एरिया में सो दैट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट अगेन आप होम ट्यूशन पढ़ाते हो वन टू वन तो आपको इतना प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है बट आप जब कोचिंग सेंटर जाते हो तो आपके सामने ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स बैठे थे थर्टी स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको पढ़ाना है तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट तो एक वो भी मेरे अंदर एक फ्योर था बट कहते ना कि वापस मैं एक बात कहूँगी कि खुली आँखों से सपने देखे थे साकार करने थे तो लड़ाई तो लड़नी थी तो मैंने बहुत मेहनत करी मैंने चौदह पंद्रह घंटे अपने आप को अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में अपना रूटीन बनाती हूँ सेवन ओ क्लाक मेरे को अपने कोचिंग सेंटर पहुँचना होता था जहाँ मैं खुद पढ़ती थी उसके बाद एलेवेंथ से ट्वेल्व हमें एक घंटे का ब्रेक मिलता था मैं अपने जिनकी जिनको मानती हूँ अपने गुरुद्वारे को मानती हूँ एक घंटे में सब बच्चे अपना कैंटीन में यू नो फ्रेंड्स के साथ चिट चिटचाट करते थे मैं बस लेती थी मेरे मॉम डैड को ये बात नहीं पता और शायद आज पता लगेगी इस कैमरे के थ्रू कि मुझे टूर पीस लगते थे यहाँ से मोती नगर जाने में मोती नगर से वापस आने में मेरा पटेल नगर में सेंटर था तो वहाँ से आप कह लें आधे आधे घंटे का रन था और उस एक घंटे मैंने गुरुद्वारे माथा टेक कर आना फिर ट्यूशन लेनी फिर घर जाना आधे घंटे में अपना खाना फिनिश करना अपने ट्यूशन के लिए चले जाना सेवन थर्टी घर आना फिर होम मेरे घर पर भी बच्चे पढ़ने आते थे नाइन ओ तो क्लॉक तक उनको पढ़ाना फिर खाना खाना फिर खाना खाना और उसके बाद फिर रात को अपनी पढ़ाई करनी जब मुझे होमवर्क मिला करता था तो ये जो एक मेरी रूटीन है ये तीन साल चली तीन साल मैंने डिलीजेंटली बहुत हार्डवर्क किया बिकॉज मुझे लगता है कि हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस और आपका एक कॉन्फिडेंस ये एक मेडिसिन है सक्सेस को जीतने के लिए तो मैंने इन तीनों का मिशन बनाया और लड़ती गई भागती गई चलती गई कभी गिरे कभी उठे बहुत कुछ सीखा लाइफ से एंड फाइनली कुछ सालों के बाद मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम है लर्निंग लैडर ये मेरा ये मेरा एक बेबी है जिसको मैंने एक्चुअली अपने बच्चे की तरह रेस करा है और यहाँ पर मैंने शुरुआत करी दो बच्चों से दो बच्चे से करते करते हमारे पास 150 200 प्लस स्टूडेंट्स हो गए एक दिन पता लगता है मेरी मदर इन लॉ इज़ डिटेक्टेड विथ कैंसर उनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो बी वॉ कि यार ये क्या हो गया तो धीरे धीरे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई डॉक्टर को भी देखना घर को भी देखना ममा को भी देखना एक टाइम ऐसा आ गया कि सेंटर बिल्कुल ख़त्म हो गया उसमें सिर्फ दस या बारह बच्चे रह गए बिकॉज मैं जा नहीं पाती थी उनकी हॉस्पिटलाइजेशन उनके मेडिकेशन में इतना टाइम लग गया कि हमारा एक साल में ही मैं बिल्कुल जीरो पर आ गई ठीक है लाइफ है फैमिली है सब देखना है देन आई स्टार्टेड अगेन माई जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच और पहले हमारे पास एक अपार्टमेंट था फिर विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट एन अपार्टमेंट उस दूसरे अपार्टमेंट में जो मेरा अपना रेजिडेंस है जहाँ मैं आज भी रहती हूँ वहाँ पर मैंने एक कमरे से शुरुआत करी जिसका नाम रखा था मैंने लर्निंग लैडर जो पहले भी था और मैंने कंटिन्यू रखा उस एक कमरे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे दो तीन चार नो बच्चे बढ़ते गए बढ़ते गए और एक चीज़ का एहसास होने लगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरा एक ही मोटो है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे आगे जो पेरेंट है ना या जो मेरा स्टूडेंट है बस वो ये गए मैम मतलब मज़ा आ गया जो आपने पढ़ाया है ना मुझे बिल्कुल समझ में आ गया आउटकम स्पीक्स आप अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंड ना करें मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ आप मेरे पास भेज कर देखें आई थिंक जब आप पढ़ाएं और आपका रिजल्ट आता है या आपका जो आउटकम आता है वो आपके लिए बोलता है तो आपको अपने लिए बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है अगर आपका काम बोलता है तो इस बात में मैं एक बात कहूंगी मेरा फेवरेट शेयर है काम ऐसा करो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और फिर नाम ऐसा कमाओ कि नाम लेते ही काम हो जाए तो मैं इस जर्नी पे चल चढ़ी चल पड़ी हूं और उसके बाद आया कोविड कोविड के बाद अगेन इतनी मेहनत करी वापस इतने बच्चे इकट्ठे करे सब यू you नो know, कोचिंग सेंटर तो सबसे पहले बंद हुए वापस हम ज़ीरो पर आ गए फिर ऑनलाइन का दौर आया फिर हिम्मत इकट्ठी करी आई गैदर्ड करेज फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस यू you नो know, स्टार्ट की जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट करी तो वहाँ पर पहले तो इतनी टेक्निकल यू you नो know, चीज़ें थी जो समझ नहीं आती थी हम थे बिल्कुल सीधे साधे बट यस अब हर पड़ाव को आपको जिंदगी में पार करना होता है जैसे आप चाहो जिंदगी हमेशा वैसे नहीं होती है तो आपको कई बार पता होता है आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो कि सिचुएशन कैसी है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बट जो एक्सेप्ट कर लेते हैं आई थिंक उनकी जीत होती है तो आपके लिए जिंदगी है उतार और चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे आपने ये देखना है कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है अपनी बेटियों को पढ़ाना क्योंकि हमारे देश में ये प्रथा चलती आई है कि बेटी को पढ़ा के क्या करना है तो मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलती हूँ कि मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जब जब लड़कियों को तब मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ कि किसी के घर पढ़ाना और एक एक ऐसी लड़की जो एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती है उसको किसी के घर पढ़ाना पड़े तो शायद कुछ ही माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को किसी के घर भेजते होंगे बट मेरी मदर ने एज अ पिलर मेरी बैकबोन बनी और मेरा साथ दिया इन फैक्ट मैं आ, शादी के बाद मैंने अपनी सारी एडुकेशन करी है मैंने बी करी एम करी एम करी इन फैक्ट मैंने पी के लिए भी पर्सो किया तो जब मेरी बी स्टार्ट हुई बी स्टार्ट होने के बाद आई वॉज सिक्स मंथ्स प्रेगनेंट सिक्स मंथ्स प्रेगनेंट प्रेगनेंसी चल रही थी और मेरा मुझे पता लगा जो सेंटर है जहाँ मुझे एग्ज़ाम देने जाना है वो गुड़गांव से भी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स आउट्सकर्ट्स में है तो पहले तो थोड़ा सा घबराहट हुई कि कैसे ट्रैवल करूँगी घर वाले जाने देंगे नहीं जाने देंगे बट अगेन मेरी भाभी मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली सब ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मैं ट्वेंटी डेज़ पहले अपनी मम्मा के घर रहने चले जाती थी एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी और सुबह सात बजे निकलती थी सारा खाने का सामान लेकर कि मुझे बाहर का कुछ खाना ना पड़े मेरी मदर सब देती थी और रात को मैं साढ़े सात बजे अपना एग्जाम देकर आती थी तो ऐसे मेरी बी खत्म हुई नेक्स्ट ईयर जब मेरी एम स्टार्ट हुई तो अब मेरी डॉटर छोटी थी मैंने सिक्स मंथ की मेरी डॉटर थी उसको रात को अपनी गोदी में बिठाना पढ़ाई करनी बिकॉज दिन में कोचिंग सेंटर भी जाना होता था घर के काम भी होते थे बच्चों को भी देखना था तो रात को अपना बैठ के मैंने सारी पढ़ाई फिनिश करी फिर ऐसे करके मैंने अपने एग्जाम्स दिए धीरे धीरे जब मेरा ये कोचिंग सेंटर ब्लूम करने लगा और सब आके बस मुझे एक ही बात कहते थे इंग्लिश मीन्स मानसी मैम तो मेरे एरिया में जितने भी मेरे सोसाइटी में बच्चे आते थे आसपास के लोग आते थे वो सब ये बात बोलते थे ना कहीं पर ना पैसा मैटर नहीं करता मैटर करता है कि आपके लिए कोई कैसा बोल रहा है वो आपके लिए आपकी सोच क्या रखता है तो आई थिंक अगर हम परफेक्शन पे ध्यान दें तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है अगर आप अपने काम को शदत से करें सच्चाई से करें तो फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होते ही होते हैं स्मार्ट वर्क करें आजकल का ज़माना है बिल्कुल स्मार्ट वर्क करने का ज़माना है बट वो कैसे करना है अगर आप सीख गए तो फेलियर नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और जिसने लड़ना सीख लिया तो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आज मेरा ऑनलाइन जब मेरा लास्ट ईयर ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट हुआ मैंने इंस्टाग्राम पे आना स्टार्ट हुआ मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया आई स्टार्टेड जैसे सब स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली uh, थोड़ा सा आपको यू no, नो जब आप कैमरे को फेस करते हो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं बट जैसे ही फोर्टी के मैंने क्रॉस किया और मैंने अगेन पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज कोचिंग सेंटर जो मेरा लर्निंग लैडर उसको भी संभालना था और अपने ऑनलाइन ये जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स जो स्टार्ट हुए थे इनको भी संभालना था तो मैंने रात को बैठना दो दो घंटे फ़ोन्स चेक करने रील्स चेक करनी ट्रेंड में क्या है बोलना कैसे है आ, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है सब पर बहुत नोट्स बनाए इतने मोटे मोटे मेरे यू नो स्पाइरल्स हैं जो मैंने लिख कर ख़त्म किए और उसके बाद मेरा जैसे ही फोर्टी के ख़त्म हुआ सिक्सटी के हो गया हंड्रेड के हो गया एंड विदिन सिक्स टू एट मंथ्स आई एम अराउंड वन सिक्सटी सेवन के मेरी अभी फोर मिलियन रील जा भी चुकी है एंड आई एम रोली थैंकफुल मेरे साथ uh, uh, जो मेरे वीडियो एडिटर हैं जो मेरे साथ मेरे जो कैमरा मैन हैं मैं उनका तही दिल से धन्यवाद करती हूँ भानु इज़ द वन जो मेरे साथ हमेशा मेरे मेरी बैकबोन बन के रहा स्टार्टिंग से मेरे साथ रहा उसके बाद ऋषभ आया उसने मेरा साथ बहुत दिया और हम एक टीम के साथ बहुत मेहनत करते हैं और वो देना चाहते हैं आप लोगों को जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो एक नॉलेज होता है देना बट एक नॉलेज होता है सच्चाई से देना मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप पढ़ें स्टॉक मार्केट में कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है तो ज़रूरी तो नहीं है ना हर रोज़ आपको प्रॉफिट मिलता है कहीं पर लॉस मिलता है कहीं बार प्रॉफिट मिलता है और कई बार तो ऐसी लॉटरी लग जाती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता तो ऐसी ही लॉटरी मेरी इंस्टाग्राम से लगी कि जब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी इंस्टाग्राम पर आ सकती हूँ मैं भी रील्स बनाऊँगी और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ कि इतने लाखों लोगों ने इनको इस सारी रील्स को पसंद किया और मुझे हर रोज़ डी आते हैं कि मानसी मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश ही यही करी है कि यू नो कितनी सारे मेरे जैसे मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ मैं उसको रन करती हूँ तो मेरे पास कितनी टीचर्स आती हैं कि मैम वी वांट टू टीच इन योर कोचिंग सेंटर तो उनके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं बट मैंने अपने एक्सपीरियंस ये चीज़ सीखी कि कई बार इनके पास किसी ऐसे इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री है बट उसके पढ़ाने का तरीका या क्लास को एग्जीक्यूट करने का तरीका इतना अमेजिंग नहीं होता और एक कॉलेज गोइंग गर्ल जिसके पास अभी कोई डिग्री नहीं है वो इतना अमेजिंग यू नो क्लास के अंदर एग्जीक्यूट कर रही है उसकी डिलीवरी लेक्चर की इतनी स्ट्रांग है कि बच्चे कहते हैं मैम इन्हीं मैम से पढ़ना है तो आई थिंक डिग्री मैटर करती है बट इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी चीज़ को समझा कैसे रहे हैं तो मैंने हमेशा इसी चीज़ पर कोशिश करी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को मैं पेरेंट्स को भी एक ही बात कहती हूँ कि उस मेरा जो कोचिंग सेंटर का गेट है इसके इस पार वो मेरा बच्चा है वो आपका बच्चा नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आई एम देयर लाइक अ मदर फॉर योर सन और डॉटर तो तहे दिल से हर बार यही कोशिश रही है कि जो पढ़ाऊँ अच्छा पढ़ाऊँ और पेरेंट्स को एक आउटकम दूँ बिकॉज़ uh, जब आपका आउटकम स्ट्रोंग होता है ना तो आई थिंक आपको अपने बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो लाइफ से बिल्कुल भी झिझके ना कि भाई सब कुछ हमेशा डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा कई बार नीचे कई बार ऊपर और कई बार बहुत ऊपर भी जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती तो मेरी लाइफ में भी स्टार्टिंग जहाँ चार बच्चे थे फिर सौ बच्चे हुए फिर दो सौ बच्चे हुए और आज मैं दुबई कनाडा, मस्कट न्यूजीलैंड अमेरिका हर जगह से बच्चे ग्लोबली मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं ऑडियो ऐप में जुड़ी हुई हूँ मेरे पास कितनी सारी कोलैबोरेशंस आती हैं आ, कितने सारे वन टू वन सेशन लेना चाहते हैं जो बहुत अच्छा पेमेंट नो हमें मिलता है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा एक तरफा ही रहती है बट सबसे ज़रूरी क्या है आपकी कोशिश कोशिश करते रहें राइट डायरेक्शन पर चलते रहें मंजिल जरूर मिलेगी और जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज इट्स एन आर्ट तो इस आर्ट पे आप जितना काम करेंगे जितनी शिद्दत से काम करेंगे वो सी सागर है सागर के सागर की ना हम ये नहीं देखते उसकी डेप्थ कितनी है वो कितना बड़ा है आप जितना उसमें घुसते जाएंगे उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे जाते जाएंगे उतने यू नो सुंदरता से आप ऊपर आते जाएंगे तो आप जितनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं तो नॉलेज गेन करने के लिए कोई उम्र नहीं है एक बच्चा भी गेन कर सकता है एक मेरे पास 54 इयर्स, 45 इयर्स की हाउसवाइफ्स, जॉब प्रोफेशनल्स भी आते हैं एंड दे आर लर्निंग दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्टिल दे वांट टू लर्न तो आई डोंट थिंक सो एज इज जस्ट ए नंबर लर्निंग की कोई भी एज नहीं होती है जब चाहो आप अपनी वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस जब आपका गेन हो जाता है तो वो एक्सपीरियंस वो फीलिंग ही अलग है तो मैं आप सबको एक यही एंड में मैसेज देना चाहती हूं कि जिंदगी में हार कभी नहीं माननी वक्त हमेशा साथ नहीं देता बट वक्त के साथ चलना आप पर निर्भर है तो वक्त के साथ चलें, लड़ें और अपनी सक्सेस को अपने कदमों में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें थैंक यू डू यू want टू स्पीक fluent इंग्लिश अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है आपके पास वो माहौल ही नहीं है तो चिंता क्यों करते हैं जो स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना जो स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकेबरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां आपको कोई जज नहीं करेगा एंड ये सब सिर्फ 58 एट पर मंथ में जी हाँ सिर्फ 58 एट पर मंथ विश्वास नहीं होता तो अभी जो स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश